तो आज मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ भाई, देखो बारिश में कुछ ही छोटी मोटी टिप्स दूंगा, वो फॉलो करके आप मतलब थोड़ा सा प्रो जैसा कर सकते हैं। सबसे पहले अपना साइड विंडो नीचे करें और ऊपर करें ताकि ये जो व्यू है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। और उधर भी उसको एक बार नीचे करें और ये वो ऊपर करें ताकि वो जो साइड वाला व्यू है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी इस पर आप आलू वगैरह जो भी आप घिसना चाहें घिस सकते हैं ताकि पानी ना रुके। और ये देखते हैं ये होता है यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट सा, ये क्लियर कर देता है, तो ये थोड़ा सही रहता है। और जब भी गाड़ी स्टार्ट करें, जैसे गाड़ी के देखिए मेरे अभी आरपीएम हाई है, ठीक है। अभी आपको अगर गाड़ी के अंदर बैठे तो पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन ये आरपीएम हाई है। जब तक आरपीएम लो ना हो जाए गाड़ी को ना चलाएं भाई। ये वाली बकचोदी मैंने करके देख ली, कोई एवरेज नहीं सुधरता, एवरेज बहुत गिर चुका है इस गाड़ी का। लिटरली मैं दुखी हो गया हूँ भैंचो इस गाड़ी के एवरेज से। मैं सच बता रहा हूँ कि भाई लेते वक्त हम लोगों ने भाई ऑनलाइन इस गाड़ी को लेने का रीजन यही था कि भाई 20 का एवरेज है, 22 का एवरेज है, नहीं भी देगी तो छोटी गाड़ी है 18 एवरेज देगी, भाई 14 का एवरेज दे रही है, 14 कभी कभी तो फॉर्चुनर के टक्कर में आती है। ये देखिए ये सब डाउन हो गया भाई। कोई ये ठीक है भाई, अच्छी बात है इंजन सही रहता है, लेकिन कोई मतलब नहीं अगर एवरेज सही नहीं हो रहा गाड़ी का। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई अगर बरसात हो रही है तो उस टाइम में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। और ये फॉग वाला टेंशन जो आता है, फॉग वाला मैं आपको यहाँ पे फंडा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले क्या करिए, एसी को आप ऑन कर, मैं और पास से दिखाता हूँ, ठीक है। एसी को ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये डिफॉगर वाला है, ठीक है। मैं और पास से ले जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ठीक है, शायद क्लियरली अब दिख रहा होगा। ये वाला है जो है ये आप डिफॉगर वाला है, ठीक है। आपको इसको घुमा के इस पे कर देना है, ठीक है। ये आ गया, अब ये डिफॉगर हो गया, ठीक है। अब आपको ये रिसर्कुलेशन पे नहीं रखना, इसको हवा बाहर से ले लेनी है, ये हवा का मोड बाहर कर देना है, ठीक है। ये कर दिया, अब देखिए सामने कैसे क्लियर हो गया है ना। तो यही वाला आपको फंडा आपको फॉलो करना है, ठीक है। और एसी को थोड़ा सा वो रखना है, अब आपको रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। और आप नहीं भी चाहो कि भाई आपको गर्मी लग रही है, अंदर गर्मी लगने लग गई कि यार एसी तो सारा का सारा यहाँ देखिए यहाँ चला जाएगा, सारा का सारा यहाँ जा रहा है, तो आप इसको पाँव पे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुझे वीडियो बनानी है, क्लियरिटी रहे, तो इसको आप पाँव वाले मोड पे भी रख सकते हैं, क्लियरिटी रहे, इसलिए मैं इसको इस मोड पे लाके रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे कब वहीं पता नहीं कब तेल का डंडा ब्लिंक कर जाएगा, ठीक है। तो भाई बिना इधर उधर की बात किए मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी भाई, देखिए सीट बेल्ट लगा लिया आपने, आपको एसी कैसे मेंटेन करना है बारिश के टाइम में, ठीक है। देखिए बिल्कुल भी फॉग नहीं जमेगी और अंदर ठंडी रहेगी, ऐसी नहीं कि अंदर ठंडी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं गाड़ी चलाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे यहाँ कोने पानी है, ठीक है। अब मुझे आइडिया है ही नहीं कि कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है, कितना छोटा गड्ढा हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसी जगह को अवॉइड करूंगा। दो चीज हो सकती रीजन, कि या तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो कि मान लो मैं यहाँ से ऐसे निकाल रहा हूँ और मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना ही ना हो और मेरी गाड़ी धस जाए। दूसरी चीज, अगर आपकी गाड़ी का वेट कम है और आपकी गाड़ी स्पीड में है, ठीक है, तो ऐसी जगह हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है। हाइड्रोप्लानिंग क्या होती है कि आप तो खूब स्पीड में है, ठीक है, स्पीड की वजह से ऑलरेडी आपकी गाड़ी पहले रोड से हल्की हल्की ऊपर उठ रही है, यानी ट्रैक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है गाड़ी का, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो पहले ट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, पानी में जाने के बाद वो ट्रैक्शन और खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो गाड़ी जो है ना वो जमीन से और ऊपर बिल्कुल बिल्कुल सरफेस ही छोड़ देती है, और उस कंडीशन में आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है, पीछे से घूम के या आगे पूरी गाड़ी टर्न होके कहीं पे भी जाके भिड़ सकती है, ठीक है। तो ऐसे दो ये चीज तो बिल्कुल ध्यान रखें कि पानी में डालने से पहले अगर आप लेके भी जा रहे हो तो आपको पता हो कि भाई हाँ कंफर्म हो कि भाई यहाँ पे कोई गड्ढा वड्ढा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज भाई, स्पीड में बिल्कुल भी क्रॉस ना करें, हाइड्रोप्लानिंग हो जाएगी स्पीड में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपकी गाड़ी के साथ, आपकी गाड़ी कहीं भी भिड़ सकती है। तो भाई देखो बरसात में ये दो चीज का तो आपको ध्यान रखना ही। और तीसरी चीज कि भाई बरसात में आप जितना स्लो चल सके उतना बेस्ट है, फालतू में गाड़ी को ज्यादा तेज भगाने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है गाड़ी तेज चलाएंगे ये करेंगे, नहीं कोई भी नहीं, आराम से चलाइए। ये हाइड्रोप्लानिंग वाला केस ना कोई भी नहीं बताता, ठीक है, अगर आप पानी में गए तो दिक्कत हो सकती है। एसी कैसे मैनेज करना बता दिया, पानी से बचना है हाइड्रोप्लानिंग वाला सीन बता दिया, गड्ढे वाला सीन बता दिया, ठीक है। अपने लोकल एरिया में चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और देखिए अब एक्चुअली क्या होता है ना कि आजकल बहुत चल रहा है कि साइड में ये जैसे ये ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो अब एक काम करिए कि भाई ट्राइड एंड टेस्टेड है, आलू ले आइए, बट आपको ऐसा नहीं कि गीला है तब लगा रहे, नहीं 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 गीला वाले पे नहीं, सूखे पोर्शन पे लगा के, ठीक है, इस पे आलू लगा दीजिए, आलू काट के यहाँ पे लगा दीजिए साइड वाले में, और वो बाहर वाला मिरर है ना आपका ओआरवीएम उस पर भी लगा दीजिए, ठीक है। जब उस पर रब कर देंगे उसके बाद उसको पानी डाल के साफ कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद इस पर पानी टिकेगा ही नहीं, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये पूरा ब्लर हो जा रहा है ना, मैं बाहर का नहीं देख पा रहा हूँ, तो वो ब्लर होगा नहीं। जैसे ये सामने देखिए, अभी सामने गड्ढा है, ठीक है, अब मुझे लिटरली नहीं पता कितना बड़ा है,
तो मैं सबसे पहले कोशिश क्या करूंगा, मैं आपको बता दे, गाड़ी आपको रिवर्स नहीं लेनी, आपको पहले प्रिपेयर रहना है। कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा गाड़ी को जहां जमीन दिख रही है ना उस साइड से निकालने की। तो उस साइड जमीन दिख रही तो मैं गाड़ी को इधर लेने की कोशिश करूंगा, पर इतना भी नहीं कि मेरी गाड़ी नीचे चली जाए, ठीक है। तो मैं इधर से निकालूंगा ताकि एक तरफ का साइड का जो मेरा टायर है ना वो जमीन पे रहे, वहां का ट्रैक्शन प्रॉपर हो, ठीक है। अगर मैंने पूरी की पूरी गाड़ी अंदर डाल दी और गड्ढा रहा बहुत बड़ा है कुछ रहा, तो मेरा ट्रैक्शन, मेरा कंट्रोल सब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही काम करूंगा कि भाई कि मैं जमीन का ज्यादा सहारा लूंगा, ठीक है। तो ये जो कुछ टिप्स है ना, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप बारिश में ड्राइविंग करें, ठीक है। एक आलू वाला टिप यूज कर लिया, और अब देखिए मेरी गाड़ी में अंदर बिल्कुल भी फॉग नहीं जम रहा है, ठीक है। ये जो बाहर जो जम रहा है इसका तो थोड़ा सा सीन यही है कि भाई देखिए अभी तो मैंने क्या किया है कि मतलब इस पे आलू वालू कुछ लगाया है नहीं, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है वो, ठीक है। तो मैं ऑल ऑफ द सडन उठा, बरसात हो रही, तो मुझे लगा कि वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए, और छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, छोटे छोटे टिप्स बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो भाई देखो बरसात में इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिए, थोड़ा सीट बेल्ट प्रॉपर पहनिए, एसी की सेटिंग मैंने आपको बताई दी, गड्ढों से कैसे बचना है, हाइड्रोप्लानिंग से कैसे बचना है वो मैंने आपको बताई दिया, और ऐसे बड़े गड्ढे हैं तो आपको कोशिश करनी कि बाहर से निकलना है, और साइड वाली विजिबिलिटी के लिए आप आलू घर पे, आलू सबके घर होता है फ्री का, इसमें आलू लगा घिस लो, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो भाई आप आराम से कहीं भी, आपको कहीं भी बरसात में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और एक लास्ट और ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जज नहीं कर पाते हैं कि आगे कितना पानी है, ठीक है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। चलो मैंने बता दिया भाई कोने से निकालना, लेकिन आप कोने से नहीं निकाल पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना भैया, गाड़ी रोकनी है, खड़ा साइड में लगा लेना है, खड़े हो जाना है और छोड़ देना है, ठीक है। जब तक कोई वीर ना आए और उस पानी को क्रॉस ना कर ले, कोई आए क्रॉस कर ले, आपको अंदाजा लग जाए, फिर गाड़ी स्टार्ट करिए और निकल जाएगी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप ये लास्ट वाली ट्रिक आपको जरूर पता होगी, ठीक है। तो वीडियो सही लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर मैंने पिछले एक महीने में मेरी वीडियोस कम हो गई, व्यूज तो आ गए, लेकिन भाई मैंने 69 सब्सक्राइबर्स खो दिए। ये 69 क्यों खोए यार, ठीक है, जो भी है, 25,000 पे सब्सक्राइबर अटक चुके हैं भाई को, 1,00,000 जाना है, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करो। चलते हैं, टाटा बाय बाय।